हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हो आप, ये कंप्रेसर है। दोस्तों, जब भी कई बार हम साइड पर जाते हैं तो हमें ये परेशानी होती है कि हमारे पास जो कंप्रेसर होता है, फ्रिज में हो चाहे एसी का हो चाहे वाटर कूलर का, जब उसमें रिले पीटीसी या कैपेसिटर ख़राब हो जाता है तो हमें परेशानी होती है कि यार हम उसे चेक कैसे करें, हमें समझ नहीं आता है। फिर हम रिले पीटीसी लेके आते हैं या पुरानी लगा कर उसको चेक करते हैं। तो दोस्तों, बिना रिले पीटीसी के और बिना कैपेसिटर के इसको डायरेक्ट कैसे चेक करें, आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं इस कंप्रेसर को चालू करके बताता हूँ, और ये बिल्कुल सही कंप्रेसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आवाज़ आप देख रहे हो दोस्तों, बिल्कुल प्रेशर, इसमें प्रेशर वेशर सब बिल्कुल बढ़िया है दोस्तों, इसमें किसी भी तरह की कोई ख़राबी नहीं है इस कंप्रेसर में। बस आपको चेक कराने के लिए और बताने के लिए कि डायरेक्ट हम इसे कैसे चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इस कंप्रेसर को चालू करके आपको बताया है। ये बिल्कुल सही है वर्किंग कंडीशन में दोस्तों। अब मैं इसके रिले पीटीसी हटाकर और आपको चेक करके बताऊँगा कि इसको डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं। तो चलो, अब मैं इसको बंद करता हूँ, और बंद करने के बाद दोस्तों आपको बताता हूँ कि इसको डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं। तो मैंने इसको बंद कर दिया है, और बंद करने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसकी केबल निकालूंगा मेन लाइन से। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, मेन लाइन की केबल निकालने के बाद ही आप चेक करें, नहीं तो करंट वरंट लग सकता है, इसलिए आप सावधानी से ये काम करें। दोस्तों, मैं अब इसकी ये पीटीसी निकाल रहा हूँ, और ये रिले दोनों निकाल के मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि आपको डायरेक्ट चेक। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो दो मेन लाइन है इनकी जो पॉइंट है, ये इन दोनों को हमको थोड़ा सा होल चौड़ा करना पड़ेगा पेचकस से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। आप देखो, इस तरह हल्का सा, ज़्यादा नहीं करना है आपको, थोड़ा सा करना है, और दूसरी वाली को भी आपको ऐसे ही थोड़ा सा करना है, इतना कि कंप्रेसर की जो पॉइंट है इनमें आ जाए। दोस्तों, ये मेन लाइन की केबल है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो तीनों कंप्रेसर की, हर कंप्रेसर में तीन पॉइंट होते हैं, जैसे कि ये वाला कॉमन है नीचे वाला, और ये रनिंग, ये स्टार्टिंग। हमें एक तार रनिंग में और एक कॉमन में लगाना है। दोस्तों, ये मेन लाइन है जो एक तार हमको रनिंग में और कॉमन में लगाना है, ठीक है। आपको ध्यान देना, ये जो कॉमन है और ये रनिंग है, आपको इन दोनों में ही दोनों मेन लाइन लगानी, मेन लाइन के तार लगाने हैं। जैसे कि मैं अभी लगाता आपको दिखाता हूँ, ये कॉमन है और ये ऊपर वाला रनिंग है, इन दोनों में ही आपको दोनों लाइनें लगानी है। तो चलो, मैं आपको दोनों केबल लगा के दिखाता हूँ कि आपको कैसे इसको चेक करना है। दोस्तों, ये दोनों तार है मेन लाइन के, एक मैं लगाता हूँ कॉमन में। दोस्तों, ये जो रेड वाला का तार है, तीनों पॉइंट आप देख रहे हो, मैंने आपको पहले भी समझाया, ध्यान से देखना है आपको। दोस्तों, ये नीचे वाला कॉमन है और ऊपर वाला रनिंग है, आपको इन दोनों में ही लाइनें देनी है। अभी ये जो एक तार है, मैं रेड वाला कॉमन में लगा रहा हूँ। दोस्तों, आप कोई भी तार लगा सकते हो, ब्लैक है, जो भी आपका कलर कोड हो, मैं रेड लगा रहा हूँ। और दूसरा जो तार है मतलब ब्लैक कलर का, दोस्तों वो मैं लगाऊंगा ऊपर वाले रनिंग के अंदर, उस साइड में जो इसमें ये रनिंग है। ये लगाने के बाद आपको एक तार और लगाना पड़ेगा जो स्टार्टिंग के पॉइंट में काम आएगा। दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान देना, ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट देख रहे हो ना आप, ये वाला, इसमें भी आपको एक लाइन देनी पड़ेगी, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। दोस्तों, ऐसे ही आप शॉर्ट टेम्परेरी लगा के लगा सकते हो। अब इसका जो केबल है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं जोड़ना अपन को, ये केबल जो ब्लैक कलर का तार है उसमें शॉर्ट करने का काम आएगी, जैसे कि आप देख रहे हो मैंने कर रखा। जब भी आप लाइन दोगे तो आप इसको इसमें शॉर्ट करोगे तो ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा डायरेक्ट। अब जैसे ही जब हम पावर ऑन करेंगे तो दोस्तों, ये वाला जो तार है ऑरेंज वाला, ये हमको ब्लैक तार पर टच करना है। दोस्तों, इसमें डरने की या घबराने की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आराम से इसको कर सकते हो। मैं चालू करके आपको बताता हूँ दोस्तों, और इसको शॉर्ट करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने चालू करा, ये देखो स्टार्ट हो गया। दोस्तों, स्टार्ट होने के बाद आप अच्छी तरह से चेक कर लो, जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ही बढ़िया चल रहा है। कोई भी कंप्रेसर हो दोस्तों, आप इस तरह से उसको स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो तीसरा तार मैंने बताया था आपको शॉर्ट लगा कर चेक करने का, दोस्तों वो अलग ही है, देख लो आप, बिल्कुल अलग पड़ा हुआ है, उसको मैंने किसी में भी नहीं जोड़ रखा है, ये जैसे कि आप देख रहे हो ये अलग है। दोस्तों, कंप्रेसर बिल्कुल वर्किंग में है, अभी ऑन है, और ये अलग पटका हुआ जैसा कि आप देख रहे हो। तो दोस्तों, इसी तरीके से जितने भी फ्रिज में या एसी में या वाटर कूलर में कंप्रेसर होते हैं हमारे, एसी कंप्रेसर, दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूँ, हमारे जो एसी कंप्रेसर होते हैं उनमें ही आपको ये काम करना है, डीसी में नहीं करना है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी कंप्रेसर को हम डायरेक्ट कैसे चेक करते हैं। बस यही एक तरीका है दोस्तों चेक करने का। अब मैं इस कंप्रेसर को बंद करता हूँ, मैंने कंप्रेसर को बंद कर दिया दोस्तों। अब मैं आपको जो समझा रहा था दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ गए होंगे। दोस्तों, कोई भी कंप्रेसर हो, एसी कंप्रेसर जो एसी से चलता हो, उसको आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। दोस्तों, बहुत बढ़िया ट्रिक है ये, आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। दोस्तों, से कोई दिक्कत नहीं है,
ना ही कंप्रेसर से ख़राब होता ना ही कोई परेशानी होती दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो, कोई भी कंप्रेसर हो एसी कंप्रेसर। मैं फिर से एक बार इसको आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये जो स्टार्टिंग का तार है इस रनिंग पर टच करना है आपको, ये कॉमन है। इस रनिंग पर आपको स्टार्टिंग का तार टच करना है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है ऑरेंज वाला तार इस ब्लैक में आपको टच करना है लाइन चालू करने के बाद। तो मैं एक बार फिर से इसको चालू करके बताता हूँ आपको, जैसा कि आप देख रहे हो ये मैंने टच करा है इस पर, ये तो टच करते ही दोस्तों ये ऑन हो गया। देखो आप देख रहे हो, ये देखो ये ऑन हो गया। इसी तरीके से दोस्तों आपको चेक करना है दोस्तों, इसी तरीके से आप भी हर तरह के कंप्रेसर को जो एसी कंप्रेसर होते हैं उनको चेक कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना है क्योंकि लाइट के तार इसमें ओपन रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान से काम करना है दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।